नाम हम पहुंच गए हैं और महुडंड का खड़खड़ी वाला लेक आगे चल के आएगा। अभी यहाँ पे करीबी 7 से 8 किलोमीटर दूर है बयून टॉप विलेज है, ऊपर से कलाम बाज़ार सारा नज़र आता है और जीप ट्रैक है। वैसे फील्डर भी चली जाती है लेकिन अगर 5 लोग जाएँ तो उनको एक दो जगह पे रुकना पड़ता है और अभी हमने यही गाड़ी करवा ली है कल के लिए भी आज के लिए भी, तो शाम होने में भी 3-4 घंटे हैं। तो पहले हम चल रहे हैं बयून टॉप, पहले खाना खाना है मेरे साथ ही। बयून वैली जाने के लिए आपको 30 से 35 मिनट का वक्त लगता है। यहाँ लोकल जाने के लिए फील्डर गाड़ी और जीप दोनों की ऑप्शन मौजूद हैं। आप खुद भी अपनी गाड़ी पर यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप कलाम सिटी से गाड़ी हायर करते हैं तो 2500 से 3000 के दरमियान वो आपसे चार्ज करेगी और आपको बयून विलेज का चक्कर लगवा कर वापस कलाम ड्रॉप करेगी। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो बयून विलेज में आपको मुनासिब सा रेस्टोरेंट और वाशरूम मिल जाता है, इसके अलावा सेलुलर कवरेज भी यहाँ पे आती है। बयून वैली जाने के लिए आप कलाम फॉरेस्ट को जाने वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे, तो कलाम फॉरेस्ट में दाखिल होने से पहले आप सीधे हाथ मुड़ जाएंगे, यही सड़क आपको बयून वैली तक लेके जाएगी। सड़क मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रही है और कलाम सिटी का मंजर भी खुलता जा रहा है। वैसे ओवरऑल सड़क पुख्ता बनाई गई है। ये रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है और सड़क के बाहर वाले किनारे पर कोई हिफाजती दीवार भी नहीं है और सड़क पर मोर भी ख़तरनाक हैं, तो बेहतर है आप यहाँ का लोकल ड्राइवर ही हायर करें और फिर इजी होकर सड़क और सफ़र का मज़ा लें। बयून विलेज तो खूबसूरत है ही, लेकिन इस तक जाने वाले रास्ते का भी अपना ही निज़ाम है। वो मुश्किल 20-25 मिनट का ट्रैक है। आपको कलाम में जो पहाड़ नज़र आते हैं, पहाड़ों के ऊपर हम आ गए हैं। बयून विलेज है ये और यहाँ पे ग्रीन स्पॉट एक जगह है, ग्रीन टॉप सॉरी, और यहाँ पे ग्रीन टॉप एक जगह है, वहाँ तक हम ट्रैक करेंगे। ठीक हो गया और बेहतरीन किस्म का सफ़र है और यहाँ से सेवन सिस्टर्स जो पहाड़ है वो भी बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, तो उसका भी हम कोशिश करते हैं कुछ कैप्चर करें। और माशाल्लाह
खूबसूरत नज़ारे हैं, साथ रहिएगा। आज आपको हैवी निज़ाम दिखाने वाला हूँ। गाड़ी जिस जगह आपको ड्रॉप करती है, इस जगह की लेफ्ट साइड पर बोयोन विलेज और राइट साइड पर ग्रीन टॉप है। तो पहले हम ग्रीन टॉप से कलाम सिटी का व्यू करते हैं। कलाम की छत पे हम आ गए हैं, हवा बहुत तेज चल रही है, कलाम सिटी सारा नजर आता है और बेहतरीन, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप कलाम आते हैं तो अपने प्लान को सिर्फ महुडन तक रिस्ट्रिक्टेड ना रखें या खटखड़ी कंडोल तक, आप इसको भी शामिल कर लें। 20 से 25 मिनट का ट्रैक है, 3000 रुपये की जीप हो जाती है बड़े आराम से। एक बड़ा अच्छा आइडिया है मेरे जहन में, आप ऐसा करें कि फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आप आते हैं तो खाना आप ऊपर ले आएँ, ग्रीन टॉप पे आप बैठ के खाना खाएं, इतना को लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा ना इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन ये बात है कि गंद ना पाना, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, खुदा दा वास्ता जी गंद ना पाना। अभी ये एक साल ही हुआ है यहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया है, तो बड़ी गुजारिश है यार आपसे, जब कोई नई जगह रिस्टोर होती है खुशी तो होती है, साथ ही ख़तरा भी लाहक हो जाता है। जैसे कि वो अम्ब्रेला वाटरफॉल की मैंने बात की थी, नया पॉइंट ओपन हुआ है और वहाँ पे इतना गंद है, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन वही बात है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म की हम बात करेंगे, साफ़ रखें इस गाँव को, बहुत प्यारी जगह दी है अल्लाह ने, बहुत प्यारा हमारा मुल्क है, तो सफाई का हमने लाजमी ख्याल रखना है। लेकिन ग्रिपोन ट्रिप की तरफ से ये मस्ट विजिट प्लेस बन गई है, खूबसूरत तरीन जगह है और यहाँ पे आने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, आप 25 मिनट में ऊपर आ जाते हैं टॉप पे, ऊपर इतना नहीं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ को सेवन सिस्टर्स कहते हैं, इस पहाड़ की 7 चोटियाँ, ये बड़ा फेमस पहाड़ है कलाम रीजन का, और सेवन सिस्टर का हम टाइम लैप भी ले रहे हैं, यहाँ पे बादलों ने इसको जफ्फी डाली हुई है, तो वेट कर रहे हैं कि जफ्फी ख़त्म हो जाती अपना काम करिए। और ये जो पीछे देख रहे हैं आप पहाड़ के नीचे, ये विलेज है, कोशिश करें कि वहाँ ना जाएं, क्योंकि व्यू पॉइंट भी इधर है और खेत भी इनके इधर हैं, क्योंकि लोग थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं। ये नया पॉइंट है जो अमरजोर है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही है, मैं अपना ड्रोन नहीं उड़ा रहा यहाँ पर, और इस वक्त मैं ग्रीन टॉप के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रहा है कलाम सिटी। बोयोन विलेज की बैक साइड पर एक नहायत ही खूबसूरत पहाड़ है, इसकी 7 चोटियां हैं जिसकी वजह से इसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये पहाड़ पूरे कलाम शहर से नज़र आता है और इसका ऊपरी हिस्सा पूरा साल बर्फ़ से ढका रहता है।
और माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। अरंकेल की फील आपको यहाँ पे आके आ रही है। पीछे आपको जो स्नोई पीक्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं। टॉप पे इस वक्त आप मौजूद हैं, नीचे कलाम शहर नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, गाड़ी आप अपनी ना लाएँ, स्टीप ज़्यादा है और ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रैक है मेरे ख्याल से। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई यहाँ पर सुकून है। यहाँ पर वैसे यहाँ पर सिग्नल भी आ रहे हैं, मज़े की बात ये है यहाँ पे मोबाइल सिग्नल भी आ रहे हैं। ऊपर रात रुकने का कोई सिलसिला नहीं है क्योंकि ये सामने तो कलाम है, आप चाहे पैदल उतर जाएं आधे घंटे में नीचे। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा सुकून करेंगे। इतनी सादा विलेज लाइफ है यहाँ पे, विलेज लाइफ देखने का इतना मज़ा आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि आप गाँव वाली साइड पर ना जाएँ क्योंकि वो जस्ट लाइक गाँव है, वो आपने देखे ही होते हैं, तो गाँव वाले थोड़े ऑफेंड होते हैं। आप यहाँ पर रह के इन्जॉय करें, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है यहाँ पे। अभी हम मज़ीद आगे जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट है आगे हमारा। टॉप का सफर मेरा खत्म हो गया है। ये मेरी पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, तुसी समझते हो पोल्ट्री वाली गड्डी है, वो नहीं चक्करेगा यहाँ पे, वही चलती है ये। और ये जो सड़क है ये प्रोफेशनल ट्रैक है, काफ़ी थोड़ा सा खतरनाक है। बयून विलेज का मेरा एपिसोड ख़त्म हो गया, सवाद द पैराडाइज सीरीज मेरी अभी जारी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है इंशाल्लाह। तो उतनी देर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि फिर आपसे मज़ीद रब्ता रहे। अल्लाह हाफिज़। ट्रिप ऑन ट्रिप में सवाद द पैराडाइज सीरीज अभी जारी है और जल्द ही महूडंड झील का सफ़र आने वाला है। और अगर आप अयूबिया टॉप की सर्दी इंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ देखें एबटाबाद शहर के मज़ेदार खाने, और ये रहा इस्तांबुल के करीब तुर्की का नहायत खूबसूरत जजीरा प्रिंसेस आइलैंड। ट्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।